सिंगल इफेक्टिव एवेपोरेटर के बारे में तो गाइस आप सभी ने सुना हो कि आपको पता है गाइस इसकी सारी ऑल ओवर वर्किंग क्या है। तो गाइस बनी रहिए इस वीडियो के साथ, मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं फूड साइंस और टैग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस चैनल में बताना चाहता हूँ, जो अभी नया है तो नीचे लाल कलर का रेड कलर का बटन दे रखा होगा उसे जाके दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन पर दिया होगा उसे भी दबा दीजिए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए गाइस मैं वीडियो शुरू करते थे। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि यह हमारा है सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, और उसकी मैं अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। तो गाइस ये नॉर्मली डायग्राम होता है कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर के बारे में। तो गाइस सिंपल से बात करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि आप नीचे सबसे हम राज यूसेस में से प्रोवाइड करते हैं, हम उस पाइपलाइन के थ्रू फेड करते हैं उस इवेपोरेटर के अंदर, जो कि नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। नीचे जाके इकट्ठा होने के बाद गाइस हम करते हैं कि हम उसमें से पास करते हैं स्टीम को, क्योंकि वेपोरेटर है हमारा। तो गाइस स्टीम को हम इस टेम्परेचर पे पास करते हैं, जो आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें हैं, वो गाइस एक सेक्शन होते हैं जिसमें से हमारी स्टीम पास होती है, और स्टीम ऊपर से लेके नीचे तक मूव होती है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस जो हमारा नीचे लगा हुआ जूस होता है वो इस स्टीम के थ्रू इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो गाइस इसे होता क्या है कि जो हमारा जूस होता है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारी स्टीम है वो गर्म वेपोरेटर को ठंडा होके वो नीचे आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेट। जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं कि मैं हाथ से निशान लगा रहा हूँ, और स्टीम नीचे आती है, जब नीचे आएगी स्टीम इवेपोरेट करके जूस को वो ठंडी हो जाती है। उस ठंडी होने की वजह से गाइस ये स्टीम बाहर भी निकल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे कंडेंसेट। तो गाइस देख सकते हैं कि गाइस हम ऊपर जो हमारा जूस है वो इवेपोरेट होके वो ऊपर आ चुका है, और वो इवेपोरेटर होने की वजह से वेपर की फॉर्म में पहुंच चुका है। तो गाइस ये सारी जितनी भी मैंने लाइनें स्टील बना रखी हैं, ये गाइस वैसी की वैसी ही हैं, जिससे हमें पता लग सकेगी। और हमारे ये स्टीम जो वेपोरेट को जो हमारे जूस को वेपोरेट कर चुकी है वो ठंडी हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेट, वो बाहर निकाल देते हैं ओपन एटमोसफेयर के अंदर। तो गाइस इसके बाद क्या होता है, जो वेपर होता है इन द फॉर्म ऑफ द जूस, हमारे वेपर आ चुके हैं वो एक सेपरेटर में जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लाइन लगाई है। ये सेपरेटर करता है क्या गया है गाइस, जो हमारा इवेपोरेटेड मिल्क है और वेपर्स हैं उस दोनों को अलग करता है, और जो वेपर होता है वो सराउंडिंग में डाल देता है सराउंडिंग में, और जो हमारा कंसंट्रेटेड जूस होता है वो नीचे प्रोवाइड कर देता है। उस सेपरेटर की वजह से जो जो नीचे आता है वो दो जगह पे जाता है, अगर जो बचा खुचा हमारा जूस बचा हो अच्छी तरह से वेपोरेट नहीं हो वो दोबारा से उसमें चले जाता है, जो हमारा सही होता है वो उस साइड चल जाता है। तो गाइस जो हमारा प्रोडक्ट निकल गया था वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड जूस। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, अगर बचा खुचा गुजरा उस दोबारा से उसमें चल के फिर से हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाए। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कमेंट में आपको बता देना क्या आपको सही लगा क्या आपको गलत लगा, और मुझे बताना कौन सा आपकी वीडियो में आपको कौन सी वीडियो चाहिए इसके ऊपर। तो मुझे फॉलो करें फेसबुक पर करें ट्विटर पर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।